उत्तर प्रदेश की उन्नाव के प्राचीन सुप्रसिद्ध देवी मंदिर आनंदेश्वरी में चोरी और धार्मिक ग्रंथों व देवी देवताओं के वस्त्रों को फाड़ने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुबह 6 बजे एक लड़का आया सबसे पहले और अन्य भक्तगण आए, देखा, उन्होंने हमको सूचित किया कि 10 मिनट बाद हम आ गए तो पता चला कि बाहर से जो सामने वाली ग्रिल तोड़ के उसमें कुछ लोगों ने प्रवेश किया, फिर अंदर वाले दरवाजे तोड़े, अंदर तोड़ के चांदी का मुकुट, एक नथनी और एक सोने की बिंदी, ये सब माता जी की ले गए। माता जी के वस्त्रों को छत बिछत कर दिया सब इधर उधर, जितने भी पूजा की सामग्री जो बर्तन थे, घंटी से लेकर के थाली वगैरह तक, जो पीतल का सामान और तांबे का सामान था वो सब ले गए। दान पात्र रखा हुआ था उसमें 4-5 हज़ार रुपये लगभग अनुमानित होने चाहिए, वो उठा ले गए। एक अंदर का कैमरा तोड़ दिया, कैमरे की जो डीवीडी जो यंत्र थे डीवीआर वो उठा ले गए, एक एलसीडी बाहर लगी थी वो उठा ले गए। ग्रिल तोड़कर चोरों ने अंदर प्रवेश किया है। माता जी के वस्त्र सहित उनके आभूषण, उनका चांदी का मुकुट और सोने की बिंदी सहित पीतल के सभी जो पात्र थे, घंटे घड़ियाल, वो चोरी कर ले गए हैं। और जिस तरह से उनकी मानसिकता थी कि माता जी के वस्त्र को छत बिछत करना और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर का ताला तोड़कर धार्मिक ग्रंथों को फाड़ देना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और इसको लेकर उन लोगों ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। और मैं आदरणीय कप्तान साहब से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अगर खुलासा नहीं हुआ तो जिस तरह से यहाँ के समाज के लोग और समस्त सनातनी हिंदू आक्रोशित हैं, ये वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि लगातार हमारे मंदिरों को छत बिछत किया जा रहा है, मंदिरों में चोरी हो रही है। तो ऐसी घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और जो भी अपराधी हों, जो भी दोषी हों, इनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। नेशन मिरर के लिए उन्नाव यूपी से प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट।